बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत मज़ेदार सी कैरमल पुडिंग कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसी के साथ आपको चाहिए, यहाँ मैंने ये कैरमल पुडिंग मिक्स लिया है, आपको किसी भी बाज़ार से आराम से मिल जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने खोला है, तो इसके अंदर से ये निकलता है, ये कैरमल है। तो आप इसे अभी सेव करेंगे, बाद में आपको बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। और ये पुडिंग मिक्स है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे बनाते कैसे हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँ अपना दूध, पूरा एक डब्बा ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए हम अपना दूध ऐड कर, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पुडिंग मिक्स। दोनों पैकेट में एक साथ ही ऐड कर दूँगी, और ये दूसरा हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जब तक इसे उबाल ना आ जाए। अपने इसे चमचा चलाते रहना है जब तक ये उबाल ना आ जाए, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसमें आपने कुछ भी नहीं ऐड करना, बस ये दूध और ये पुडिंग मिक्स ऐड करना है। अब बस इसे मैं उबाल का इंतज़ार करना है, हिलाते हुए आराम आराम से अपने चमचा हिलाना है इसे। ये देखिए मुझे चमचा चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और इससे उबाल आ गया है। अब बस आपने इसे उबाल आने के बाद एक और मिनट आपने बस इसे चमचा चलाते हुए पकाना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है आपने। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने करना क्या है। तो आपने बस चूल्हा बंद कर देना है और बस इसे डिश आउट करना है। तो अब देखिए, अब आपने कोई भी बाउल लेना है जिसमें आपने इसे डिश आउट करना है, और जो आपको कैरमल साथ दिया गया आपने साथ निकाल लेना है, दोनों पैकेट उसे निकाल लेना है और इसे फैला देना है पूरे पे। अब देखिए, अब आपने कस्टर्ड को इतना ठंडा करना है कि वो रूम टेम्परेचर हो जाए, और फिर हम इसे अपने बाउल में निकालेंगे। ये देखिए जो हमारा कैरमल था ये मैंने फैला लिया। अब जो हमारे रूम टेम्परेचर में कस्टर्ड हो चुका है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने अपना कस्टर्ड निकाल लिया है। अब बस मैं इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दूँगी, और जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखेगा। ये देखिए हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है। इंशाल्लाह इसे खा के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में राय जरूर बताइएगा। अगली बार फिर आऊंगी एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।